हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटेसी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रीम इलेवन स्पाइस टी टेन की, जो कि मैच होने वाला है ऐसे क्लब चैलेंजर्स वर्सेस नटमक वॉरियर्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में लेके जा सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार और लास्ट में हमारी फैंटेसी टीम देख लेते एक बार, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट कवर की जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ से साझा T20 चल रही है, यहाँ से मिजोरम T20 चल रही है, यहाँ से सीनियर वुमन T20 चल रही है, यहाँ से ECS T10 चल रही है। सारे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऑलरेडी मैंने लिंक अटैच कर दिया, इनके अगर लिंक वर्क ना करे टेलीग्राम में जाकर सर्च करेगा फैंटेसी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो TFDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपल उसे ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो। बात करें इस मैच की, तो ये मैच रात को 12 बजे नेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्टेंट जॉर्ज ग्रेनाडा वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो न्यूट्रल और बैलेंस पिच रहने वाले, यानी कि दोनों को ऐसे अच्छी हेल्प मिल सकती है, लेकिन ऐसे विकेट्स भी अच्छी खासी गिर जाती है। एवरेज स्कोर की बात करें तो यहां से 110 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं ऐसे क्लब चैलेंजर्स की, तो चार मैच खेली जिसमें से सिर्फ एक मैच जीती है, छह मैच वो हार के आ रही है। ओपनिंग यहाँ से लास्ट मैच के अंदर रिकी अलेक्जेंडर ने की थी, इससे पहले काफ़ी नीचे बैटिंग करवा रहे थे, तो थोड़े से ओके ओके टाइप के पिक रहेंगे, परफॉर्मेंस इतना कुछ खास रहा नहीं है। टेडी बिशप अच्छी पिक है, यहाँ से इनको जरूर लेके जा सकते हो अपनी टीम के अंदर, राइट हैंडेड बैटिंग करवा सकते हैं और कभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ से 42 रन किए थे एक बार, लास्ट मैच के अंदर भी 27 रन की एक अच्छी पारी खेल के आ रहे, तो इनको आप एज ए प्लेयर जरूर ट्राई कर सकते हो, यहाँ से ओपनिंग करवा लेते और कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। डेयर ऑन रेड बैटिंग के साथ साथ यहाँ से बॉलिंग भी करवा लेते हैं, यहाँ से दो विकेट निकाल दिए और यहाँ एक विकेट निकाल दिए, यहाँ से 41 यहाँ से 76, बड़े स्कोर भी कर सकते हैं। ये बंदा आपके लिए डिफरेंशियल पिक, यानी कि ग्रैंड लीग वगैरह में आप इनको कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर जरूर ट्राई कर सकते हो। वैसे डेयर ऑन रेड आपके लिए एक अच्छी पिक बन सकती है। 76 रन लास्ट मैच के जबरदस्त पारी खेली थी, ओपनिंग किए थे इससे पहले ये भी काफ़ी नीचे बैटिंग करते थे, तो यहाँ से डेयर ऑन रेड आपके लिए अच्छी पिक बन सकते हैं। रोनाल्ड एटीमी की बात करूँ तो ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक पर तो नहीं, लेकिन यहाँ से सीधी पिक यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की रहेगी। पहले तीनों ही मैच के अंदर, चारों ही मैच के अंदर परफॉर्मेंस देखिए आप, यहाँ से विकेट लगातार विकेट चटका रहे थे, लेकिन पिछले दोनों ही मैच के अंदर इतना कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं। और हालांकि लास्ट मैच की बात करूँ, माफ करना, ऐसे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ऐसे डेयर ऑन रेड जो है उन्होंने लास्ट मैच के अंदर दो ओवर्स की गेंदबाजी भी की थी, जहाँ पर उनको एक विकेट भी मिला था, तो अच्छी भी क्या, ऐसे कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर आप ट्राई कर सकते हो। वैसे हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा रहे हैं, विकेट हालांकि सिर्फ अभी तक तीन मैच के अंदर मिला है, दो मैच के अंदर विकेट नहीं मिला है, लेकिन बैटिंग से भी बड़ा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अभी बैटिंग से ऊपर ही आएंगे, कंटिन्यू करेंगे आई थिंक, मुझे लगता है तब तक। रोनाल्ड एने हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, इन्होंने भी लास्ट मैच के अंदर एक ओवर्स की गेंदबाजी की थी, विकेट नहीं मिला था, लेकिन यहाँ से हर एक मैच के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हालांकि पिछले दो मैच के अंदर परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा, लेकिन फिर भी आगे से अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, तो इनको ट्राई कर सकते हो। इमरान जोसेफ लगातार अच्छी विकेट चटका रहा है, यहां से दो तीन विकेट चटकाई थी लास्ट मैच के अंदर, इससे पहले दो विकेट निकाले थे, यहां से भी एक विकेट निकाला, इससे पहले 31 रन की पारी खेली थी, तो ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर की तरह से उभर के आ रहे हैं। तो यहां से ये तीनों से इंपॉर्टेंट है, नेड यहाँ से एडम और यहाँ से जोसेफ, कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर तीनों को आप ट्राई कर सकते हो, तीनों ही अपने टाइम पर अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी यहाँ से ये तीनों ही प्लेयर्स जो है इनको आपको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ से फॉरसिथ कैल्टन काडू और यहाँ से केविन फ्रांसिस और यहाँ से जूनियर हेनरी, ये चारों ही प्लेयर्स जो है वो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस इनका अभी तक रहा नहीं, तो इनको आप ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करो तभी बेहतर है, स्मॉल लीग के लिए काफ़ी रिस्की रह सकते हैं। बात करते हैं यहाँ से जेरोन नील, अच्छी पिक है, इनको लेके जा सकते हो, हर एक मैच के अंदर विकेट निकाले, पिछले तीनों मैच के अंदर एक एक विकेट निकाला है। यहाँ से काशिमिर थॉमस यहाँ से पिछली चारों ही मैच के अंदर विकेट निकालते हुए आ रहे, तो ये भी हमारे लिए अच्छी पिक बन सकते हैं। ऐसे काशिमिर थॉमस को भी हम लेके जा सकते हैं। बैंस से ऐसे कैसरिक विलियम्स हो, डेनिस नारायण हो, यहाँ से तिरोन चार्ल्स, तो इनमें से कोई खेलेगा तो इनके स्टेट्स टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए ये जो बंदा है इंटरनेशनल लेवल पर खेल के आ चुका है, यहाँ से बहुत सारी लीग के अंदर खेल चुका है, यहाँ से इनका जो सेलिब्रेशन सिस्टम है ना उनका, वो साइन वाला जो कभी कभी इसकी बदौलत काफ़ी सारी पिटाई भी कर सकते हैं, और वही कुछ हो सकता है शायद। तीन मैच खेले थे, तीनों ही मैच के अंदर उनको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन ये बंदा कभी भी आपको वापस एक बार कमबैक करता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं ऐसे नटमक वॉरियर्स के, तो सात मैच में से छः मैच जीत के आ रहे, सिर्फ एक मैच हारी है, तो दोनों में उल्टा है, सामने जो टीम है वहाँ से सात में से छः मैच हारी है और ये सात में से छः मैच जीती हुई है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ी सी मजबूत टीम लग रही है। ऐसे NW और इनके जीतने के चांसेस थोड़े से हाई है,
क्योंकि इस टूर्नामेंट की मजबूत टीम है। ओपनर्स दोनों ही यहाँ से इंपॉर्टेंट रहने वाले, दोनों ही आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी चॉइस रहने वाले, दोनों को ट्राई कर सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर। यहाँ से एंड्रे फ्लेचर 62 किए, यहाँ से 24 रन किए, 27 किए। लिया से देखो दो विकेट निकाले थे इन्होंने तीसरी या चौथी मैच के अंदर। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि लास्ट सीजन जब हुई थी तब सारे मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा रहे थे, हालांकि लास्ट मैच के अंदर उन्होंने ओवर्स नहीं किए, लेकिन आखिरी सीजन जब 2021 में ये सीजन खेली गई थी तो वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर गेंदबाजी करवा सकते थे। लेकिन फिर भी यार एज अ प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक बन सकता है, बहुत सारी लीग खेल चुके हैं, BBL जैसी बड़ी लीग के अंदर भी ये खेल के आ रहा है, यहाँ से IPL वगैरह में खेल के आ रहा है, तो बहुत सारा अनुभव है T20 का, तो यहाँ से T10 के अंदर कभी भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकता है। इनके पास कैपेसिटी यहाँ से 62 रन जैसे किए थे, तो एज अ प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी चॉइस है। यहाँ से रैगिस को आप बना सकते हो 55, यहाँ से 25, 39, 25 जैसे बड़े स्कोर किए हुए, तो इनको ट्राई कर सकते हो। क्वाटो को ट्राई कर सकते हो आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर, यहाँ से अच्छी पिक है, बैटिंग से ऊपर आ रहे हैं प्लस ओवर्स भी पूरी करवा रहे हैं, तो ये तीनों प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। बाकी विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करते हैं, बेंजामिन वेवेल हमारे लिए सीधी पिक रहने वाले, 28-26 जैसे बड़े स्कोर के, इससे पहले थोड़े से डाउटफुल भी रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छी पिक रहने वाली, क्योंकि इस मैच की बात करो तो ये यहाँ से कैचिंग से स्टंपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकते हैं। बात करते हैं मैकडोनाल्ड को, तो इनको लेने का कोई मतलब नहीं बनता, काफ़ी रिस्की प्लेयर्स है। यहाँ से अकीम एलेक्सिस ने लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं की, बाकी हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा रहा था, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तभी ट्राई करेगा, बाकी काफ़ी रिस्की रह सकता है। जोसेफ इंपॉर्टेंट पिक है, इनको मिस करके नहीं जा सकते, यहाँ से साइरस को मिस करके नहीं जा सकते, तो दोनों ही प्लेयर्स हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा रहे, कभी भी आपको 2-4 विकेट एक साथ में लेते हुए नजर आ सकते हैं T10 में भी। बाकी एलेक्स मोजेस हर एक मैच के अंदर विकेट निकाले, हालांकि 3 मैच के अंदर उनको विकेट नहीं मिले, लेकिन आप देख सकते हो 4 मैच के अंदर अभी तक विकेट निकाल चुका है 7 मैच के अंदर, तो अच्छा पिक है, यहाँ से इनको ट्राई कर सकते हो। यहाँ से एस्टन जैक्सन को ट्राई कर सकते हो, जब भी विकेट निकाला तब 2-2 विकेट निकालता है, यहाँ से 2 विकेट निकाले, 2 विकेट निकाले, यहाँ से 2 विकेट, यहाँ से 2 विकेट, तो चांसेस है। इस मैच की बात करो तो इस मैच के अंदर भी चांसेस पूरा है यहाँ से 2 विकेट या 3 विकेट निकालने का, तो यहाँ से जैक्सन के ऊपर आप रिस्क जरूर ले सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का, कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। मैं तो यहाँ से सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से फील्डिंग अगर पहले नटबर्ग वॉरियर्स करवाते हैं, NW की पहले फील्डिंग आती है, तो आप यहां से इनको कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप दे सकते हो एच जैक्सन को, काफी अच्छी पिक रहने वाली है। बात करते हो यहां से के मिचल की, तो इतना कुछ खास नहीं, हालांकि एक बार 29 रन का पारी जरूर खेली, लेकिन बैटिंग से काफी नीचे है, तो फिर इनको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए चलिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन से रहने वाले, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहां से अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से तो यहाँ से सीधी पिक है बी वेवेल हमारी टीम में रहने वाले हैं, बाकी एलेक्जेंडर वगैरह थोड़े से रिस्की रहेंगे, तो आप रिस्की खेलना चाहो तो अभी ट्राई करेगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। बाकी बैटिंग सेक्शन से यहाँ से एंड्रे फ्लेचर, एस रेगिस दोनों इंपॉर्टेंट, और यहाँ से टी बिशप को मैंने लिया हुआ है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। सी थॉमस को ले सकते हो यहाँ से, बिशप की जगह पर आपको ट्राई करना हो तो। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ से ई टीम वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ से के कोटोई और यहाँ से एस जोसेफ हमारी टीम में रहने वाले हैं। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो डी साइरस, यहाँ से आई जोसेफ, डी नेड और यहाँ से एच जैक्सन को मैंने पिक किया हुआ है, तो टीम कुछ इस तरह से रह सकती है। कैप्टन मैंने यहाँ से फ्लेचर को किया हुआ है, वाइस कैप्टनशिप यहाँ से एटेन को दिया हुआ है, लेकिन मैं अगर पहली बैटिंग यहाँ से NW करवाती, पहली फील्डिंग अगर NW करवाती है, तो यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर यहाँ से एच जैक्सन को भी ट्राई कर सकता हूँ। तो टीम अभी के लिए कुछ इस तरह से रहेगी, लेकिन याद रहे ये डेमो टीम रहेगी, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक अटैच कर दिया, इनके अगर लिंक वर्क ना करें टेलीग्राम में जाए सर्च करिए फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पहले ही मैंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सी टूर्नामेंट हमारी इस यूट्यूब चैनल पर कवर होने वाली है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़े रहेगा और यहाँ से अच्छे खासे विनिंग करते रहेगा। तो बाकी पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बना रहे, अच्छी विनिंग करते रहो। मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।